बलात्कार और छेड़छाड़ के मामलों में पुलिस की कार्यवाही पर सवालिया निशान लगते रहते हैं। ताजा मामला बहादुरगढ़ के लाइन पार का है, जिस युवक पर पीड़िता बलात्कार का आरोप लगा रही है उसी ने अपने परिजनों के साथ मिलकर पीड़िता और उसके परिवार के साथ मारपीट की। मारपीट का वीडियो भी सामने आया है जिसमें आरोपी पीड़ित लड़की उसकी माँ और पिता की पिटाई कर रहा है। दरअसल पीड़िता ने अगस्त महीने में 4 युवकों के खिलाफ बलात्कार, ब्लैकमेलिंग और मारने की धमकी का मामला दर्ज कराया था। पुलिस ने 3 युवकों के नाम तो FIR में जोड़ दिए लेकिन एक वकील के बेटे का नाम FIR से हटा दिया। इसके बाद पीड़िता लगातार पुलिस अधिकारियों से मिलकर वकील के बेटे का नाम भी FIR में शामिल करवाने की मांग कर रही थी। पीड़िता की मां का आरोप है कि आरोपी उस पर समझौते का दबाव डाल रहे थे और मारने की धमकी भी दे रहे थे। इसी दौरान बहस भी हुई और उनके साथ मारपीट भी की गई। पुलिस जांच अधिकारी पर इस मामले में कार्यवाही ना करने के आरोप भी लगे हैं। पीड़िता का कहना है कि पुलिस ने FIR दर्ज करने के दौरान उनकी बात नहीं सुनी, मारपीट होने के बाद भी उनकी सुनवाई नहीं हो रही। महिला हेल्पलाइन और 100 नंबर पर भी फोन किया लेकिन कोई मदद नहीं मिली, जिसके बाद वो खुद अस्पताल इलाज के लिए आए। लाइन पार थाना प्रभारी करमवीर का कहना है कि सूचना मिलने पर ही पुलिस पीड़िता के बयान लेने के लिए कर्मचारी भेजा गया और बयान के आधार पर कार्यवाही की जा रही है। फिलहाल मामला मारपीट का है, मारपीट भी उसके साथ जो पीड़िता है और लगातार आरोपियों की धमकियों के बीच जी रही है। बलात्कार और छेड़छाड़ के मामले जो कि पुलिस की कार्यवाही पर लगातार सवालिया निशान बना रहे हैं। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।